अस्सलाम वालेकुम। आज 11 अगस्त 2023 है और 12:15 बजे दोपहर के आज हम एक फैमिली पिकनिक पे जा रहे हैं और स्टेट पार्क उसके जगह का नाम है और वहाँ पे रिंगवुड में है ये स्टेट पार्क न्यू जर्सी में। ये फैमिली पिकनिक है, हमारी फैमिली जा रही है वहाँ पे। ये पिकनिक जो है ना, ये पोटलक के नाम से मशहूर होती है। जैसे वहाँ पे वन डिश पार्टी के जो भी फैमिली शिरकत करेगी वो अपनी अपनी एक डिश बना के लाएगी अपने घर से। तो हमने भी कुछ घर से भी बनाया है और कुछ यहाँ अपना देसी रेस्टोरेंट है पाकिस्तानी का, वहाँ से भी हमने कुछ सीख कबाब वगैरह बनाई है। तो पहले वहाँ जाने से पहले पिकनिक स्पॉट से हम पहले चलते हैं वहाँ पे अपना डेरा ग्रिल, जो अपना पाकिस्तानी का रेस्टोरेंट है जहाँ बड़े अच्छे ज़बरदस्त जायकेदार हलाल खाने मिलते हैं। वहाँ से पहले पिक करेंगे, फिर उस जगह पहुँचेंगे स्टेट पार्क में। तो ये हमने तैयारी कर रहे हैं अपनी गाड़ी में, फैमिली चल रही है, तो इंशाल्लाह आपको वहाँ लेके चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये घर से हम यहाँ पर आ चुके हैं डेरा मसाला ग्रिल रेस्टोरेंट कैटरिंग। ये हमारा पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, हलाल खाने बड़े जायकेदार, बड़े लजीज, बड़े मज़ेदार खाने बनते हैं। तो ये जैसे कि हमारी मैंने बताया था कि इस पिकनिक पार्टी के अंदर सब लोग अपना अपना खाना बना के लेके आते हैं, तो इसमें हमने घर में भी बनाया और मगर यहाँ से हमने कुछ सीख कबाब अपनी यहाँ ऑर्डर की है, तो यहाँ से भी पिक करते हैं और इसके बाद जो स्टेट पार्क न्यू जर्सी है वहाँ हम पहुँचते हैं ये सामान लेके। कुछ तो घर से बनाया खाना और कुछ हमने यहाँ भी ऑर्डर दिया हुआ है, क्योंकि इनके खाने बड़े ज़बरदस्त होते हैं। इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशियन, साउथ एशियन क्वेश्चन लिखा हुआ देखें यहाँ पे, और बड़े ज़बरदस्त होते हैं इनके खाने, जायकेदार हलाल खाने होते हैं। तो यहाँ से हम पिक करते हैं खाना और फिर चलते हैं वहाँ पर। पोटलक के नाम से ये पार्टी कहलाती है, जैसे हमारे वन डिश पार्टी होती है ना पाकिस्तान में कि अपना अपना खाना बना के लाओ, वो लोग कहते हैं ना कि भाई अपने अपना अमेरिकन जो होगा हिसाब किताब वो है ये पार्टी का। उससे ये होता है कि चले एक तो बर्डन भी नहीं होता और हर कोई जो है अपने अपने खाने बना के लेके आता है और बड़े ज़बरदस्त खाने मुख्तलिफ तरह के सबको अलाट कर दिए जाते हैं और ये अपने पसंद के बना। बहुत शौक से देखती है गाने ड्रामे ना, मैंने आज तक नहीं देखा। तो बड़े ड्रामे आते हैं, मतलब ड्रामे यार स्टेट पार्क में हम पहुंच चुके हैं न्यू जर्सी में। तो देखें यहाँ पे माशाल्लाह मेरे बैक साइड पे बहुत खूबसूरत तालाब भी है और फैमिली है जो ये सारी एक ग्रुप बना के हर जगह बैठी हुई है, एंजॉय कर रही है। और यहाँ इस पार्क की सबसे बड़ी खूबी है कि इन्होंने जो है ये जो है ना ग्रिल वगैरह भी लगा के दी है कि भाई आप यहाँ पे जो है ना चारकोल के ऊपर अपनी चीज़ें गर्म करें और ये जगह जगह आपको ये लगा के दिए हैं ग्रिल जो है। तो अभी बस खाने की तैयारी हो रही है,
मैं हर फैमिली अपना अपना खाना बना के लाई है और माशाल्लाह पाकिस्तानी खाने बड़ा टेस्ट वाले खाने सब लोगों का अलग अलग खाने का जायका और बड़ी अच्छी पिकनिक हो जाती है और सब लोग अभी क्रिकेट से भी इंजॉय हो रहे हैं सब लोग देखे। और यहाँ हर जगह जो ना ये चार पुल जो बना हुआ है हर जगह आप जो है ये जो चाहे गर्म करें और अपने साथ ये कोयले वगैरह साथ लेके आ जाए बस ये। और ये देखें यहाँ इधर खूबसूरत जो है झील यहाँ पे इसमें बोट का भी लोग एंजॉय करते हैं बोट भी जो है माशाल्लाह। और उधर शूटिंग एरिया है उस साइड में जो आवाज़ जो आ रही है कि वो वहाँ पे आप जाके शूटिंग कर सकते हैं। एक प्लेट ये उड़ाते हैं उसको आसमान की तरफ और उसमें निशाना बना के उसको शूट करते हैं फायर करते हैं उसको। वो एरिया अलग की तरफ है देखें आवाज़ आ रही होगी आपको तो वहाँ भी जाएंगे देखेंगे बिल्कुल। अभी हमारा खाना लग गया है यहाँ पे देखें खाना जो है ये पूरा लग चुका है हमारा खाना तो अब मैं भी जा रहा हूँ उस तरफ। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त जगह है माशाल्लाह। आइए खाने की तरफ सीख कबाब और ये सुबह क्या चीज़ है चिकन अच्छा कढ़ाई चिकन माशाल्लाह। ये क्या चाहिए ये आफ्ताब भाई की तरफ से आफ्ताब भाई की तरफ से ये है कढ़ाई चिकन माशाल्लाह जबरदस्त सीख कबाब है ये डेरा की। ये कीमा है मेरे ख्याल में और ये बिरयानी है फ्राइड चिकन वाह वेरी गुड। बहुत सारी डिशेज माशाल्लाह अभी जरा चाय का यहाँ बनाने का एहतमाम किया जा रहा है तो हम लोग जो है ये करीब में एक स्टोर है उस तरफ जो दूध लेने के लिए जा रहे हैं मिल्क जो है। बाकी सब चीज़ें तो हमारे पास मौजूद है मगर वो जहन से लोगों के निकल गया कि भाई मिल्क भी लेना है तो यहाँ करीब ही जो है एक स्टोर है उसमें हम लोग जा रहे हैं वहाँ से दूध बाई करते हैं फिर आके यहाँ दूध पत्ती चाय बनाते हैं यहाँ पर। जगह जगह टोलियों की शक्ल में सूरत में यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं और पिकनिक एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह और बच्चे इन झूलों में खेल कूद रहे हैं देखें। हम इस तरफ जा रहे हैं अपनी गाड़ियाँ जो पार्क हुई है ताकि जाके वहाँ जाके मिल्क खरीदें और फिर आके हम दूध पत्ती चाय एंजॉय करें। इससे पार्क में हम आए हुए हैं और यहाँ आयशा भी आई हुई है माशाल्लाह बहुत जहन बच्ची है तो उससे चले इंटरव्यू करते हैं। आयशा बेटा ये बताओ आपको कैसा लगा ये पिकनिक कैसी लगी? अच्छा क्या क्या आपको यहाँ की चीजें अच्छी लग रही है इस पिकनिक पे इस स्पॉट पे? सब अच्छा ये पार्क अच्छा है। क्या नाम है इस पार्क का? ये वो है स्टेट पार्क कहलाता है ना बेटा ये न्यू जर्सी में। तो ये बताइए कि आप किस क्लास में हैं? मैं तो प्रोग्राम में जाती हूँ। प्रोग्राम में तो आपने अपनी स्कूलिंग पूरी कर ली अब कॉलेज में जा रहे हैं ना आप ये? हाँ, कॉलेज में। क्या नाम है आपके कॉलेज का? मैं स्पेक्ट्रम में जाती हूँ। स्पेक्ट्रम ये कहाँ पर है आपका कॉलेज? टीनक में इधरिया। टीनक में तो क्या वहाँ का टाइमिंग है आपका? वहाँ पे जो है 9:30 से लेके मैं जाती हूँ फिर 3:30 बजे घर आती हूँ। अच्छा स्कूलिंग में आपने क्या कहाँ तक पढ़ा आपने कितनी आपकी एजुकेशन है यानी वहाँ क्या क्या पढ़ा आपने स्कूल में भी आपने क्या पढ़ाया गया ज्यादातर? ज्यादा थेरेपी उधर कराई थी। अच्छा नहीं तो पढ़ाई में क्या कराते हैं माशाल्लाह क्या कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं आपके?
अभी नेक्स्ट वीक वेटिंग शुरू हो जाएगी। अच्छा वेरी गुड। और ये गाड़ी आप माशाल्लाह ये खुद रन कर लेती हैं, आप चला लेती हैं? हाँ। ये कैसे सारी कुछ ये मकसद है ऑटोमेटिक है ना? हाँ। ये रोड पे भी चलती है, जहाँ भी चाहे खुद ब खुद चली जाती है ये। अच्छा आप खुद अकेली ऑपरेट कर लेती है सब गाड़ी? हाँ। अच्छा वेरी गुड। यानी आपको अगर कोई हेल्पर की जरूरत नहीं है, खुद ये जो है ये गाड़ी को आप चला सकते हैं? हाँ। सही है बिल्कुल, क्योंकि पीछे का भी ऑप्शन है, अगर मैं थक भी जाऊँ तो कोई पीछे से चला सकता है। अच्छा वो भी चला सकते हैं कोई, अगर आप लोगों तो आप थकेगी जैसे आप, तो ये तो ऑटोमेटिक है सारी, ये तो खुद चलती है बैटरी से चलती है। हाँ। तो आपको मुझसे चलाने की तो जरूरत नहीं पड़ती होगी, यानी ऑटोमेटिक सब चल रही होगी ना? हाँ। तो इसमें बैग वगैरह खाना पीना सब साथ में होता है आपके? हाँ। अच्छा माशाल्लाह वेरी गुड वेरी गुड। तो आयशा का इंटरव्यू हो रहा है मकसद की, बहुत ही टैलेंटेड बच्ची है। तो आयशा ये जैसे आपको अच्छा लगा ये पार्क? अच्छा लगा। अच्छा बिल्कुल। और कहाँ कहाँ आपने पिकनिक की है इस टाइम की? हम लोग जर्सी सिटी गए थे लास्ट सैटरडे। जर्सी सिटी? हाँ हाँ। तो वहाँ भी ऐसे ही था बिल्कुल सारा, ये डिफरेंट था। वहाँ क्या था वहाँ पे आपको? सब डिफरेंट चीजें थे, पार्क डिफरेंट था। अच्छा हाँ। तो ये के आपकी कॉलेज भी ले जाती है ना आपको तो पिकनिक पे? हाँ वो ले जाते हैं सब लोग। अच्छा 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 बिल्कुल। तो बहुत ही बहुत शुक्रिया अर्शद आपका, जबरदस्त बड़ा मजा आया, थैंक यू। हाँ। तो कराची कब जाने का इरादा है आपको? अभी देखो। एक बार तो चक्कर लगा के जाए ना बेटा, मां सब आपको लाजमी याद कर रहे हैं सबको आप। हाँ। और आपको पूरी अपनी फैमिली की सबकी डेट ऑफ बर्थ सबकी याद होती है। हाँ। सब आपका वेट कर रहे हैं कि आयशा आएगी तो जाएंगे, तो आप जल्दी तैयारी करो जाने की, सही है? हाँ। चलो वेरी गुड, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ सही, थैंक यू। तो आप मुझे कैसे भेजोगे ये वाला? ये मैं आपको सेंड कर दूंगा ना बेटा, उसमें आपको सेंड कर दूंगा ये, तो आपका आयशा का एंट्री जो है ना वो इसमें जब लगेगा तो हम सेंड कर देंगे आपको, सही है ना? और आपने बड़ा जबरदस्त इंटरव्यू दिया है, वाह बेहतरीन। आप बहुत पहली दफा हुआ है क्योंकि ये जो मैंने तो का सबको करते हो, इसलिए मेरा पहली दफा हुआ। नहीं नहीं आप चूंकि बात ये आपका भी मौका नहीं मिला ना आपसे इस तरह मीटिंग करने का, तो बेटा आज आपसे मुलाकात हुई है। हाँ। तो ये कि आप जो है माशाल्लाह आपके बारे में और भी आप एक्टिविटीज के बारे में लेंगे आपसे इंटरव्यू वगैरह, क्योंकि आप जहीन बच्ची है बहुत माशाल्लाह, अल्लाह की वजह से बहुत क्वालिफाइड जहीन है, बहुत एजुकेटेड, बहुत जबरदस्त बच्ची है माशाल्लाह, बहुत बहुत अच्छा। बेटा सलाम वालेकुम करे। हाँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। माशाल्लाह बहुत एंजॉय किए पिकनिक, अब घर की तरफ रवाना हो रहे हैं, तकरीबन 6 बज रहे हैं शाम के, तो सब लोगों ने तैयारी कर ली है। ये यूसुफ साहब अपनी गाड़ी में इसमें जा रहे हैं, बाकी हमारी गाड़ी वो सामने खड़ी हुई है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, देखे व्यू देखे कितना खूबसूरत है, ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये देखिए पीछे गंदी पड़ेगी तो आयशा की गाड़ी का रेम